वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका डालिंगन जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 21 मार्च, दिन बृहस्पतिवार का है और डालिंगन जंक्शन पर जो हमारी पुरानी एंट्री होती थी, जिस दिशा से लोग आते थे मेन मार्केट की तरफ, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 है उस पर अब कार्य तेज़ हो गया है। यहाँ पर फर्श बनाने का काम किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म्स की लंबाई पहले ही बढ़ाई जा चुकी थी क्योंकि पहले जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म था उसकी लेंथ कम थी। अब पूरा फुल लेंथ प्लेटफॉर्म हो गया है जिस पर 22 कोच की आराम से ट्रेन जो है वो आ सकती है LHB की। और यहाँ पर जो शेल्टर लगाने का काम है वो किया जा रहा है। अभी जो उसका स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो गया है। नीचे जगह जगह जो नाली है पानी की निकासी के लिए, ड्रेनेज, उसको कारीगर मजदूर यहाँ पर बना रहे हैं क्योंकि जब ऊपर छत लग जाएगी और बारिश का जब पानी ऊपर इकट्ठा होगा तो वो पाइप के ज़रिए यहाँ पर नीचे उतरेगा और यहाँ पर जो नालियाँ बनाई जा रही हैं उससे फिर वो बाहर निकलेगा। तो ये तैयारियाँ चल रही हैं और शेल्टर भी काफ़ी लंबे अब लगाए गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी शेल्टर बहुत लंबा लग गया है, वहाँ पर भी कार्य चल रहे हैं। और इधर हमारी पुरानी वाली जो एंट्री है, पहले वाली जो एंट्री हुआ करती थी डालीगंज जंक्शन की, इस दिशा में आप देखिए अभी छत लगनी बाकी है, छत को लगाया जाएगा लेकिन फ्लोरिंग का काम शुरू हो गया है। पीछे यहाँ पर बाउंड्री दी जाएगी और JCB मशीन पीछे आपको दिख रहा है खड़ी है। बाहर का जो सर्कुलेटिंग एरिया है यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा स्पेस दे करके बनाया जा रहा है और यहाँ पर ऊपर ऊंची लाइट्स भी लगाई जा रही हैं, फ्लड लाइट्स, जिससे दूर तक प्रकाश दिखाई दे। सामने आप देख सकते हैं डालीगंज जंक्शन से चलकर सीतापुर जाने वाली ट्रेन खड़ी हुई है, सवारी गाड़ी। अब विशेष का टैग हट गया है तो आगे चलते हैं थोड़ा और देखते हैं क्या कुछ काम चल रहा है। बड़े बड़े चौके जो हैं पत्थर वो यहाँ पर आ गए हैं, ग्रेनाइट के टाइल्स, जिनको नीचे यहाँ पर बिछाया जाएगा। जब पूरा ये फ्लोर समतल कर लिया जाएगा उसके बाद इनको लगाने का काम होगा। फिर लाइट्स लगाई जाएंगी, ट्यूब लाइट्स लगाई जाएंगी, पंखे लगाए जाएंगे और यात्रियों के बैठने के लिए यहाँ पर अब स्टेनलेस स्टील की जो बेंचेस हैं, सीट्स, उनको फिक्स किया जा रहा है। पेयजल व्यवस्था के लिए भी स्टील के जो वॉश बेसिन हैं वो आ गए, उनको लगाया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगेगा, लाउड स्पीकर्स वगैरह, उन सब का काम अभी यहाँ पर किया जाएगा। पैदल पुल भी अभी तैयार किया जाना है और प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हमारी डालीगंज से चलकर सीतापुर जाने वाली सवारी गाड़ी खड़ी है। देखिए जो पहले स्पेशल लिखा रहता था विशेष, वो अब हट गया है शब्द, क्योंकि सामान्य नंबर से अब रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया जाएगा। 21 मार्च रेलवे बोर्ड ने तारीख दी थी और कल तक मुझे उम्मीद है कि जो स्पेशल वर्ड है वो जो ऐप्स हैं अभी उसमें स्पेशल करके ही दिखा रहा है, क्योंकि किराया अब 30 रुपये से घटा करके रेलवे ने 10 रुपया कर दिया है न्यूनतम। जैसा आप सब जानते हैं कोविड के बाद न्यूनतम किराया 10 रुपया जो था उसको बढ़ा करके 30 रुपया कर दिया गया था, साधारण क्लास का जो टिकट हुआ करता था। तो अब चूँकि किरायों में कमी आ गई है, स्पेशल का जो स्टेटस सवारी गाड़ियों को दिया गया था जो हर हॉल्ट और स्टेशन पर रुक करके चलती थी, तो सामान्य नंबर वापस आ जाएगा मुझे उम्मीद है। और सामने इज्जत नगर हमारे शेड का WAP4 जिसका नंबर है 25000, 25000, ये आप देख सकते हैं आज यहाँ पर सुबह ये आया है मैलानी डालीगंज सवारी गाड़ी में और अब यहाँ पर शंटिंग के बाद लगा दिया गया इसको, जो कि अब ट्रेन को लेकर के जाएगा ये सीतापुर जंक्शन और शाम को वापस होगा सीतापुर जंक्शन से। तब ये ट्रेन जाएगी लखनऊ जंक्शन तक, 89 जो हमारी ट्रेन है वो बन करके। सामने देखिए वहाँ पर भी अभी शेल्टर्स जो हैं स्ट्रक्चर खड़े हो गए हैं। अभी इस दिशा में जो पैदल पुल है उसका कार्य बाकी है, शेल्टर्स बढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं अभी एंगल यहाँ पर रखे हुए हैं। तो डालीगंज जंक्शन पर काम अभी चल ही रहा है, समय लगेगा लेकिन जिस प्रकार से तैयारियां हैं उसको देख करके लग रहा है कि डालीगंज जंक्शन से सीतापुर की दिशा में ही नहीं बल्कि बाराबंकी अयोध्या की दिशा में गोंडा हो गया नकाह जंगल भविष्य में हो सकता है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सीतापुर से जो मेमू ट्रेन्स भविष्य में चलाई जाएंगी डालीगंज ऐशबाग तक या लखनऊ जंक्शन तक, वो देखना होगा जब नोटिफिकेशन आएगा। 3 साल से ऊपर हो गया प्रतीक्षा चल रही है। हम लोगों की तो मांग ये थी, सभी जो यात्री हैं इस रूट के उनकी डिमांड यही है कि अगर
सीतापुर से ऐशबाग होते कानपुर सेंट्रल तक मेमू ट्रेन सर्विस दो जोड़ी भी सुबह शाम अगर मेमू कानपुर सेंट्रल को कनेक्ट कर दे तो जो तमाम व्यापारी हैं, क्योंकि कानपुर हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, व्यावसायिक शहर है और यूपी का इकोनॉमिक कैपिटल आप कह सकते हैं, जैसे लखनऊ प्रदेश की राजधानी है तो औद्योगिक राजधानी का दर्जा जो है प्रदेश की उसको आप कानपुर कह सकते हैं। इधर रैंप बना लिया गया था, ऊपर शेल्टर भी लग गया था, लेकिन यहाँ पर अभी इस दिशा में गर्डर लॉन्चिंग नहीं हुई है। हालांकि गर्डर्स आ गए हैं, आगे रखे हैं और क्रॉसिंग भी जल्दी ही बंद होने वाली है, क्योंकि गोरखपुर जंक्शन से चलकर लखनऊ जंक्शन वाली इंटरसिटी आ रही है, उसके ठीक पीछे गोरखपुर कोचुवेली सुपरफास्ट इस समय आ रही है। बादशाह नगर ट्रेन पहुँच चुकी है इंटरसिटी और गोमती नगर के करीब पहुँच रही है गोरखपुर कोचुवेली एक्सप्रेस। तो यहाँ पर आप देखिए शेल्टर, यहाँ पर भी अभी छत लगाई जाएगी, इसमें इधर लोको खड़ा है हमारा। 11:15 बजे ट्रेन जाएगी सीतापुर जंक्शन को और काम दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर जोर शोर से चल रहे हैं। तो सामने से आ रही है गोरखपुर से चलकर लखनऊ जंक्शन जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। और इधर 11:15 बजते ही डिपार्चर हो गया है 05:90 का डालीगंज जंक्शन से चलकर सीतापुर जंक्शन की दिशा में, महबुल्लापुर बख्शी के तालाब से धौली के रास्ते ट्रेन चल दी है सही समय से अपने। सबसे अधिक प्रतीक्षा जो है वो अब इस रेलखंड पर, लखनऊ सीतापुर रेलखंड पर अगर हम कहें तो मेमू ट्रेन्स की है। साथ ही साथ दोपहर के टाइम अभी लखनऊ जंक्शन से या ऐशबाग से सीतापुर की दिशा में, मैलानी की दिशा में कोई भी ट्रेन नहीं है, तो दोपहर में भी 1 बजे के आसपास ज़रूर ट्रेन एक होनी चाहिए सीतापुर मैलानी तक कम से कम, जो तमाम सारे डेली पैसेंजर हैं या जो सीतापुर से अप डाउन करते हैं बच्चे विशेषकर, वो 1 बजे के आसपास जब सब स्कूल्स में छुट्टी होती है 1 से 1:30 बजे तो कोई ट्रेन नहीं होती है वापस जाने के लिए। तो दोपहर में मुझे लगता है 13 बजे या 13:30 पर अगर लखनऊ जंक्शन से एक ट्रेन सीतापुर जंक्शन तक दी जा सके डेली पैसेंजर्स के लिए, तो इससे तमाम सारे यात्रियों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी जो बाकी की ट्रेन्स हैं वो डालीगंज जंक्शन से ऑपरेट होती हैं। तो मुझे लगता है कि सुबह जब 86 चली जाती है और ट्रेन संख्या 15009 चली जाती है लखनऊ जंक्शन से, उसके बाद लखनऊ जंक्शन से कोई ट्रेन है ही नहीं सीतापुर जंक्शन जाने के लिए, तो इस ओर भी इस बिंदु पर भी ध्यान देना चाहिए हमारे रेल अधिकारियों को, इस तरफ सोचना चाहिए। और साथ ही साथ सीतापुर रोजा होकर के जो शाहजहाँपुर वाला रूट है वो बिल्कुल भी इस्तेमाल में अब तक नहीं आया है। 9 जनवरी 2019 को बड़ी लाइन हो गई थी, ऐशबाग सीतापुर सेक्शन खुल गया था, तो 5 साल हो गए और 5 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है अगर हम कहें, 6 साल लगभग 6 साल चल रहा है, तो अब इस रूट पर भी ट्रेन देनी चाहिए। इस रूट से भी बरेली की दिशा में ट्रेन आप निकाल सकते हैं। तो ये थी गोरखपुर से चलकर कोचुवेली जाने वाली ट्रेन जो डालीगंज स्किप कर रही है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो हमारा सेकेंड एंट्री का है, उसके बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्श बनाने का काम है अब वो चल रहा है, यहाँ पर चौके लगा दिए गए हैं
और किस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए अब फर्श को तैयार किया जा रहा है और बहुत सुंदर फर्श ये नज़र आ रहा है। इस प्रकार से जो ग्रेनाइट के यहाँ पर लंबे लंबे चौके लगाए गए हैं, आप जो ये शेल्टर यहाँ पर बढ़ा करके यहाँ फुट ओवर ब्रिज के पास तक लाए हैं, तो यहाँ पर ऊपर अभी छत लगेगी और अब लग रहा है जब ये पूरा काम हो जाएगा कि जो डालीगंज जंक्शन है प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच शहर में ये पड़ता है और इसका जो पूरा लुक है जो अब बदल करके आएगा वो बन जाने के बाद वाकई देखने लायक होगा। और अमृत भारत योजना में ये सारे कार्य कराए जा रहे हैं जैसा आप सब जानते हैं, तो कार्यों की रफ्तार को देख करके लग रहा है कि अगले 6 महीने बाद यहाँ पर आपको डालीगंज जंक्शन बिल्कुल कंप्लीट नज़र आएगा। अभी जितने कार्य हैं फिनिशिंग करते करते हम 6 महीने का समय यहाँ से मान करके चलते हैं, होली आ रही है तो आप मान के चलिए कि दीपावली के पहले पहले आपको डालीगंज जंक्शन एक नए रंग में एक नए कलेवर में नज़र आएगा और यहाँ से आपको कई जगह की फिर रेलगाड़ियाँ भी चलते हुए दिखाई देंगी जो यहाँ से ऑपरेट की जाएंगी। अभी पैदल पुल पे जो गर्डर लॉन्चिंग होनी है उसके लिए यहाँ पर जब उसको लॉन्च किया जाएगा गर्डर्स को तो पावर ब्लॉक लिया जाएगा क्योंकि नीचे जो OHE के वायर यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पर कार्य हुआ है, 25,000 वोल्ट का करंट इसमें दौड़ रहा है तो ब्लॉक लेकर के ही पहले एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक तरफ का कार्य होगा उसके बाद फिर दूसरी दिशा में कार्य किया जाएगा ताकि इस दिशा का जो पैदल पुल है लेवल क्रॉसिंग की दिशा का या यूं कहें कि जो सीतापुर की दिशा है या बादशाह नगर की दिशा आप कह सकते हैं, यहीं से आगे ट्रैक्स दोनों तरफ जाते हैं उनका बाइफर्केशन होता है इसीलिए डालीगंज को जंक्शन कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर भी कुछ शेल्टर बढ़ाए जाएंगे जैसा लग रहा है। यहाँ पर जो हाई मास्ट लगाए गए हैं जिसपे फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं, देखिए नीचे इसको घुमा रहे लीवर को और ऊपर आप देखिए यहाँ पर लाइट्स धीरे धीरे अपने स्थान पर ऊपर जाती जा रही हैं, पहुँच रही हैं धीरे धीरे और ऊपर जा करके ये फिक्स हो जाएंगी ताकि पूरे ही जंक्शन के बाहर का जो एरिया है सर्कुलेटिंग एरिया दूर तक आपको रोशनी नज़र आएगी। और डालीगंज की जो लेवल क्रॉसिंग है जब सारी लाइट्स प्लेटफॉर्म पर भी लग जाएंगी तो उतने दूर से ही आप जब डालीगंज जंक्शन की तरफ देखेंगे तो पूरा जंक्शन आपको जगमगाता हुआ मिलेगा, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ। तो केबल आप देख सकते हैं बाहर रखे हुए हैं अभी और काम निरंतर चल रहा है। यहाँ पर भी जो शेल्टर है वो एक्सटेंड होगा, अभी आगे तक शेल्टर एक्सटेंड किया जाएगा, पूरी जो बिल्डिंग पीछे की है ये पूरी कवर हो जाएगी। तो काम अभी तेज़ी से मजदूर लगे हैं कारीगर लगे हैं काम चल रहा है।